लगता है क्या कि हम लोगों का ये कुल देवता का पूजा है, भगवान चित्रकूट हम लोगों के कुल देवता हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहेल सुल्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं लौफा में है, जहां पर चित्रगुप्त महाराज की पूजा चल रही है। अगर बात करें तो ये चित्रगुप्त महाराज यानी कि एक वंशज है इनके, कायस्थ समुदाय के खास ये समुदाय होती है, जो उनके वंशज होते हैं वही लोग पूजा करते हैं। इस वक्त में आप देख सकते हैं चित्रगुप्त महाराज की यहाँ पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आज का दिन काफी भव्य रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ दो तीन मूर्ति जो पहले सबसे पहले देखे बीच में जो है वो चित्रगुप्त महाराज हैं, और उनके दाएं बाएं जो है दो पत्नियाँ थी उनकी जो आपको दिखाई दे रहा होगा। दो पत्नियाँ नंदिनी हैं जो राइट में हैं, और लेफ्ट में जो दिखा रहे हैं आपको शोभावती दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी है और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि ये शोभावती से जो है वो इस वक्त में फिलहाल देख लीजिए यहाँ सेल्फियों का दौर चल रहा है, और यहाँ सभी फिर हम बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ कैसे क्या होता है। ये कास्ट समाज के लोग हैं जो ये 12 जो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए 12 जो है आप देख सकते हैं ये इससे जो है शोभावती से, जैसा हमें पता है कि 8 बालक थे जो देख सकते हैं आप, गौर हैं, उसके बाद अम्बस्ट है, सक्सेना जी हैं, भटनागर हैं, ये जितने नाम के लोग दिखते हैं ये कास्ट ही होते हैं। माथुर हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, उसका निगम जी हैं, कर्ण हैं, शोभावती से हैं ये सभी। उसके बाद महाराज से नंदिनी से, नंदिनी से अगर देखें आप तो वाल्मीकि, श्रीवास्तव, आस्था, ध्वज, ये सभी 4 पुत्र इनसे थे, तो टोटल 12 पुत्र थे जिनकी पूजा होती है। सर कैसे क्या रहता है इसमें खास आप लोगों की पूजा में? इसमें पूजा होता है क्या कि हम लोगों का ये कुल देवता का पूजा है, भगवान चित्रकूट हम लोगों के कुल देवता हैं, और उन्हीं के 12 संतानों में हम लोग भी एक आते हैं कर्ण। तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग शुरू किए हैं चित्रकूट पूजा भगवान का, और उसी के परिसर में पिछले 3 साल से, इस साल लगा के 2 साल पहले और इस साल 3रा साल ये भगवान चित्रकूट मंदिर की के परिसर में इस भगवान चित्रकूट का पूजा पूरे विधि विधान के साथ जो सनातनी धर्म में विधि विधान है पूजा अर्चना करने का, चूँकि ये न्याय के देवता हैं, भगवान चित्रगुप्त न्याय के देवता हैं, और पूरे सृष्टि में जो है हर व्यक्ति के लेखा जोखा इनके पास है, और उस हिसाब ये भारत में ये बहुत ही खास तरह का ये एक जाति है, जो 12 हमने आपको देखा उन्हीं के पुत्रों में से कर्ण भी है जिनमें से ये लोग आते हैं, और हर जगह आपको अब देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण हुई है, और प्रसाद वितरण के बाद जो है फिर शाम में प्रीत भोज रखा जाता है। तो ये पर्व बिहार के लिए एक बड़ा ही खास पर्व रहता है। तो ये और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी सर यहाँ पर? इस सर हम लोगों का ये जो पूजन था, हमारे पूर्वज जिनके हम लोग संतान हैं उनका ये पूजा हो रहा है, और यहाँ पे पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर शाम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं, उसके बाद हम लोगों का एक भोज होता है, प्रीति भोज कहा जाता है, ये हम लोगों के समुदाय में होता है।
सारा सिस्टमेटिक ढंग से होता है, हम लोग का जो भी काम होता है सारा सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और हम लोग इन्हीं के पूर्वज हैं, इन्हीं के पूर्वज हम लोग कैस्ट जाति से आते हैं। और हम लोग 12 पुत्रों में हम लोग एक पुत्र हैं जो कर्ण कैस्ट हम लोग कहलाते हैं। और बहुत सारे 12 पुत्रों के अलग अलग नाम हैं जिसमें हम लोग कर्ण कैस्ट हम लोग हैं, यानी शोभावती के पुत्र में से जी हम लोग शोभावती के पुत्र हैं। शोभावती के 8 पुत्र हैं और नंदिनी के 4 पुत्र, जिसमें 8 पुत्र में हम लोग कर्ण कैस्ट में आते हैं। यानी ये 12 भाइयों का आप लोगों का जी जी, दो पत्नियों में हम लोग 12 भाई। 12 तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम आए हुए थे यहाँ। और पूजा की खास बात ये रहती है सर, आज क्या कैसे क्या खास रहा? आज तो पूजा देख ही रहे हैं कि बहुत भव्य तरीके से हुआ है, पूरे समाज के लोग जुटे हुए थे। इस वक्त में भारत में हम चित्रगुप्त महाराज की पूजा चल रही है जो आए हुए थे और उनके ये कर्म संतान में से हैं। तो आपको दिखा रहे थे कि भारत में हमने आपको इससे पहले भी फेस्टिवल्स वगैरह दिखाए थे, आपने देखा था। अब प्रसाद खाने का वक्त हो गया था, पहले प्रसाद खा लिया जाए उसके बाद जो है फिर आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद भी ये लोग भी खा रहे हैं। मेरा हिस्सा भी शायद खा लिया है। कहाँ रखा वो भाई, आपका हिस्सा रखल है? देख सकते हैं ये हम लोग, हमारा ग्रुप है, लाइव कर रहे थे हम लोग झंझर न्यूज़ पर। आप यहाँ पूजा में और क्या विशेष देखना चाहते हैं, कैसे क्या होता है, तो आप लाइव पे जाके झंझर न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हैं इसके बाद खाने का भी इंतज़ाम है, ये रहता है खाने का भी इंतज़ाम रहता है यहाँ पर। आज के दिन जो भी लोग आते हैं बाहर से, जो वर्क करने वाले लोग होते हैं, जैसे लाइव के लिए हम लोग आए हुए थे तो खाना बन गया। और शाम में भी यहाँ प्रीति भोज बनेगा जो बहुत ही खास बनेगा, और अभी के लिए भी खाना बना है और रात का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी वैरायटीज और खर्च रहता है। तो ये बड़ा ही खास उत्सव है ये एक कहें। फिलहाल आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, ये फिर हम देखेंगे ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी से यहाँ ये माहौल लगातार बना रहेगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।